अच्छा, आज मैं आया हुआ हूँ इधर डेनिनोंग रेंजेस पे। ये मेलबर्न की आइकॉनिक जगह है हाइकिंग के लिए। सिटी से ये वैसे भी 55 मिनट्स की ड्राइव है, जो कि ईजी है। और यहाँ पे नेचर, जैसा कि सुन सकते हैं पीछे से नेचर की आवाज़ आ रही है, और ये 1000 स्टेप्स है। तो हाइकिंग के लिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, वीकेंड में या वीक में दो दफ़ा बंदा इधर आके हाइकिंग कर सकता है और वॉक कर सकता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इधर पहुंच गए हैं। अच्छा, मैंने गलती तो नहीं, रिकमेंडेड यही था कि आप पहले ऊपर से स्टार्ट करके नीचे आएँ और फिर नीचे से ऊपर जाएं। तो पहले मैं ऊपर से नीचे आया हूं, अब नीचे से ऊपर जाएंगे। तो ये सारी हिस्ट्री है कि ये जो ट्रैक है ये किस तरह बना और क्यों बना, ये सारी हिस्ट्री पीछे लिखी हुई है यहाँ पर। अगर आप इधर आएँ तो आप ये सारी पढ़ सकते हैं कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। तो अब हम नीचे आ गए हैं तकरीबन 20 मिनट्स में। ऊपर जाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट लेट्स सी। अब भी इतना थके नहीं है, ऊपर जाते हुए शायद कुछ नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 वेज हैं ऊपर जाने के। जो मोस्ट रिकमेंडेड और जो 1000 स्टेप्स हैं मेमोरियल पार्क, वो ये रास्ता है और ये 1 वे रास्ता है। तो हम अब यहाँ से जाएंगे। अभी ये मैंने स्टार्ट कर दी है ट्रैक पे। तो अभी तो ये बहुत स्टीप है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। तो ऊपर जाके स्टेप्स आएंगे अभी, तो लेट्स सी। बाकी ये नेचर बहुत अच्छी है, यहाँ की एटमोसफेयर और हवा बहुत फ्रेश है, तो मोस्ट रिकमेंडेड है। अभी यहाँ से अब स्टेप स्टार्ट हो रहे हैं। अभी कुछ स्टेप्स किए हैं और थोड़ा सा डिस्टेंस हो रह गया, बट फुल पैक हो गई है। अच्छा जी, तो हाइकिंग हो गई अब डन। अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत। जाते हुए तो बड़ा इजी था, बट ऊपर आते हुए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। बट ये कि 1000 स्टेप्स किए थे इन्होंने, बट 1000 नहीं थे, 750 थे, लेकिन स्टीप बहुत थे। तो हाइकिंग का मज़ा आया काफ़ी। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग इधर आएँ और करें। अगर वीकेंड पे फ्री हैं, कुछ नहीं कह रहे, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप नेचर में आके नेचर में फ्रेश एयर ले सकते हैं, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो हाईली रिकमेंडेड।